हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूँ। प्रभु राम से माफी कब मांगेंगे? राम मंदिर चूरा है। इस देश के लोकतंत्र से, इस देश की 140 करोड़ से ऊपर जनता से माफी कब मांगेंगे जो नया संसद टपक रहा है और बाल्टी लगानी पड़ रही है। ये माफी नहीं, ये ढोंग है और ये ढोंग किया जा रहा है वोट को ध्यान में रखकर। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज से जो माफी मांग रहे हैं वो ढोंग है, और वो ढोंग इसलिए है कि गौरव मराठा और इस देश के हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की खंडित मूर्ति को न महाराष्ट्र भूलेगा न ये देश भूलेगा। लोगों के, महाराष्ट्र के लोगों के, देश के लोगों के और विपक्ष के घोर विरोध ने उनको नाक रगड़ के माफी मांगने पर मजबूर किया, लेकिन ये ढोंग है। अगर ये अक्षम्य अपराध है और अगर ऐसा वो मानते हैं तो वो फिर मुख्यमंत्री को और उस उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें जो इसके लिए जिम्मेदार है। पहली चीज, प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे जब वो चुरा चुरा कर उन्होंने सरकार बनाई, मताधिकार ही नहीं चुराया, मतादेश ही नहीं चुराया, उन्होंने चुरा चुरा के प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र से बाकी जगहों पर ले गए, कब माफी मांगेंगे महाराष्ट्र से? और प्रधानमंत्री अगर माफी मांग ही रहे हैं अपने कार्यकाल में बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ताश के पत्तों की थर ढह रहा है, प्रभु राम से माफी कब मांगेंगे? राम मंदिर चूरा है। इस देश के लोकतंत्र से, इस देश की 140 करोड़ से ऊपर जनता से माफी कब मांगेंगे जो नया संसद टपक रहा है और बाल्टी लगानी पड़ रही है? वो जो तमाम पुल और तमाम एयरपोर्ट इन्होंने इनॉग्रेट किए, जो भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ गए, तब माफी कब मांगेंगे? ये माफी नहीं, ये ढोंग है और ये ढोंग किया जा रहा है वोट को ध्यान में रखकर।